एक एक दो किलो से, अरे भैया आराम से 2 किलो लिए, बड़े बिस्कुट छाटे उसी में से। लेकिन मन तो मेरे 60 वाला लेने था, लेकिन वही लालच थोड़ा सा दे दिया उनने कि ये वाला ले लो, सही है, अच्छा है, बढ़िया है। कोई अपने सामान को बुरा बोलता है क्या? और नारियल पानी तो खूब है, सही है। ओके ओके ओके, तो आ गए हम वापस घर की तरफ जाने को तैयार। वहीं संतोष हॉस्पिटल मुड़ के आ गए हैं और इसी उल्टे हाथ पे पड़ेगा अभी जाएंगे तो लालमन की लस्सी। अरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं जो पूरे करने हैं। स्वास्थ्य से भरपूर में बहुत सारी वीडियो आने बाकी हैं। बस बस अब चलेंगे, साइड में मोड़ेंगे। ओए तो कुछ इस तरह से ये बस अड्डा है। अब यू टर्न लेके चल रहे हैं घर की तरफ। अभी तक बोर तो नहीं हुए ना आप? वीडियो, अरे फोन में लगे हुए हैं, शायद चलान देख रहे हैं किसी का। ट्रैफिक, जिसका ज़्यादा तेज हॉर्न उसकी हुकूमत, मतलब वो सी ज़्यादा सुनी जाती है आजकल। तो पिछली बार तो हम उसी रोड से आए थे, अब दूसरी रोड से चल के दिखाएंगे आपको, या उसी चलें क्योंकि नीचे ट्रैफिक भी हो सकता है। यहाँ पे बाइक वाइक लेनी हो सेकंड हैंड तो आप आ सकते हो बस अड्डे के पास में, किसी मैकेनिक को लेके आना तभी लेना, अदरवाइज़ पुरानी बाइक एक्सीडेंटल बाइक भी अगर चेप दी तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जो चीज़ आप नहीं देख सकते मैकेनिक देख लेगा। तो हमारा इरादा ऊपर से चलने का ही है, यहाँ से जाएंगे। भाई होंडा सिटी कैसे फंस गए, इधर तो बस है, बस है। आज की एक बैटरी में हो जाएगा ब्लॉग दोनों कंप्लीट। वही जितना हम यूज़ करते रहे उतना बढ़िया रहेगा उसका। तो थोड़ा स्पीड अप करते हुए, ये चंद्रशिला है, कौन सा है, हाँ चंद्रशिला अपार्टमेंट GDA की तरफ से, बहुत बढ़िया मकान, बहुत महंगे मकान लेकिन बढ़िया भी महंगे भी, क्योंकि ये बस अड्डे का इलाका है, महंगा इलाका, सिट्रस होटल। 60 पे भग जाती है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कचहरी के पास आ गए हम, तो कचहरी का रास्ता, कई लोगों को इंसाफ की जरूरत है यहाँ से, लेकिन वही डायलॉग है ना, इंसाफ नहीं मिलता माय लॉर्ड, मिलती है तो सिर्फ तारीख। संटी बजती है ठाएं। कॉपीराइट तो नहीं आएगा इस पर, मैंने डायलॉग तो बोल दिया।
मेरा खुद का नहीं था ये। गाजियाबाद पुलिस बहुत मेहनती। चलो अंदर से दिखाते हैं अपना इनग्राम के पास से। अगर ब्लॉग बड़ा बन जाए तो देख लेना थोड़ा गाजियाबाद का, अगर ढंग से जानना चाहते हो कैसा है हमारा गाजियाबाद। ये रहा इनग्राम इंटर कॉलेज, वो भी यूपी बोर्ड वाला। जो जो बच्चे स्कूल से पढ़े हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैंने भी यहाँ पे एक बार अप्लाई किया था 11th के लिए, मेरा हुआ नहीं एडमिशन। 10th पास करके मैं इसमें साथ आने के लिए था, 11th में था या फिर 10th में आने के लिए था ऐसे कुछ सकता ही है। मतलब कहना तो पढ़ने वाले बच्चे को पता है, हम उस समय पढ़ने वाले नहीं थे जब 9th या 10th में अप्लाई किया होगा। सबका ऐसे ही बचपन होता है भाई। लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हम भी ऐसे थे पढ़ने में कुछ। जब कहते हैं इंसान कहने से नहीं पढ़ता, कितना भी तुम उससे कह दो मारो पीटो नहीं पढ़ेगा। जब पढ़ेगा, जब अंदर की आत्मा बोलेगी तो खुद ही पढ़ेगा। जब उसे लगेगा, एहसास होगा कि यार अब मैं नहीं पढ़ा तो मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते उस तरह से। फिर ना पढ़ने वालों की यार कहते ना, पढ़ा लिखा इंसान कुछ भी आगे कर सकता है। लेजेंडर, अरे फॉर्चुनर लेजेंडर जा रही है। लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका देखो, हालात ऐसे होते हैं जिसके अंदर इच्छा तो होती है पढ़ने की, लेकिन कुछ हालातों की वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो कामयाब नहीं हो पाते, कामयाब वो भी हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ना चाहते, मैंने उनको भी कामयाब होते हुए देखा है। कहते ना उनके भी हालात ऐसे बने कि जब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यार अब उन्हें काम करना ही पड़ेगा तो हुआ है। मैंने ऐसे बहुत, मेरे सामने एग्जांपल हैं। मैंने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था, जब पढ़ाता था उन्हें तो वो शरारती बच्चों में आते थे। उनकी गिनती ऐसी होती है शरारती बच्चों में कि ना तो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। लेकिन अब उनसे मिलता हूँ तो शादीशुदा हो चुके, बच्चे अच्छे होने वाले हैं और काम अपना कर रखा बिजनेस। कहते हैं समय की चोट जब लगती है तो इंसान हर कोई सुधर जाता है, चाहे वो पढ़ने वाला हो या ना हो, सबको सुधरना ही पड़ता है। समय की चोट, उससे पहले सुधर जाओ तो बहुत बढ़िया है ना। मेरे से वो भी सेफ हैं मैं डबल पिन नहीं करवाई थी इसलिए। आज तो ज्ञान कुछ ज़्यादा दे दिया ना मैंने, समय की मार ये वगैरह वगैरह। चलो कोई बात नहीं, अब घर की तरफ चलते हैं। बाकी घर का अपना रास्ता देख रखा होगा तो वीडियो यहीं एंड करना चाहूँगा। क्या थोड़ा और आगे चलें, थोड़ा सा और दिखाते हैं आगे। चलो क्योंकि अगर बोर नहीं हुए तो बने रहो मेरे साथ, क्या दिक्कत है। रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा है, बैटरी अभी फ़िलहाल है 50-60% के आसपास, 50% तो थी उसमें। कार सीट कवर लगवाने तो यहाँ आ जाया करो यार, नवाब के नाम से है इनकी दुकान, इनकी वीडियो भी है हमारे पास। सही थे रेट मैंने देखे यार, 1700-1800 में मिल जाएंगे आपको अच्छे स्विफ्ट वगैरह के। एसी का काम भी मैंने यहीं से करवाया, जो एसी वाली वीडियो पे आप कमेंट करते हो ना। ओहो आराम से आराम से, कैसे ब्रेक मार रहा यार। ओह ये होटल 5 स्टार तो नहीं, 3 स्टार तो होगा। और यहाँ की बिरयानी अच्छी लगती मुझे, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाने कई बार, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। इनकी भी वीडियो आएगी स्वाद से भरपूर में, लेकिन ये बनवाने के लिए शर्माते हैं पता नहीं क्यों। तो ये वो रोड है एलटी रोड जिससे हम आए थे पिछले ब्लॉग में, अब लौट के जा रहे हैं दूसरे ब्लॉग में। तो इस तरीके का रोड पहले नहीं था, रोड बनने का अच्छा हो गया। अभी नाले का खुदाई चल रही है पता नहीं क्यों यार।
हो। तो बस ऐसे ही कट जाती है लाइफ, अब पता नहीं टाइम क्या हो रहा होगा, मुझे जाकर पढ़ाना भी है ट्यूशन बच्चों को। निट्रा टेक्निकल कैंपस, कुछ सीखना हो तो यहाँ जाया करो। पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही होगी यार, मेरी आवाज़ अच्छी आए तो। लव यू गाइस, जो जो इसको देख रहे हैं सभी को प्यार, छोटों का प्यार, बड़ों से सम्मान, हाँ सब बड़ों का आदर करना चाहिए। हाँ तो बस ये LTE देखो कितना अच्छा हरियाली से बनाएंगे इसमें, अच्छा करेंगे कुछ ना कुछ। बाकी ग्रीनरी है आप देख रहे हो नज़ारे, बढ़िया बढ़िया। तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो तो एडजस्ट कर लेना यार, बोर होके मत चले आना। बहुत सारी दिल की भड़ास होती है जो निकालते हैं हम ब्लॉग के अंदर, भड़ास मतलब यानी कि जो भरी हुई चीज़ें बातें हैं, किससे कहें कैसे कहें। ये ब्लॉग एक जरिया है जहां हम अपनी बातें कर सकते हैं आपसे सफ़र के साथ। और पता है बातें करते रहते हैं तो सफ़र वैसा वाला सफ़र नहीं रहता जो तंग करता है, मनमोहक आनंदित आनंदमोहक हो जाता है बातें करते रहते ना। चलो घर के पास आ ही चुके हैं, घर की तरफ मुड़ेंगे। ओ भाई साहब वैगनार में शीशे से बाल गाड़े जा रहे हैं। मामा जी की दुकान गुप्ता स्वीट पॉइंट। आंटी नमस्कार, इनकी भी ड्यूटी कट गया ये कार्ड। चलो अपने घर पे आ गए, वहीं पे ब्लॉग एंड करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे। इसको यार सब्सक्राइब कर लेना फ्री का प्रमोशन। चलो मैं एंड करता हूँ, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। यहाँ देख रहे हो ना मुझे, बाय बाय।